हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। आज मैं आपको बताऊंगी सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन से जो बच्चा होता है उसमें एक्चुअली किया क्या जाता है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि सिजेरियन के क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो जो ऑपरेशन से बच्चा होता है, या तो वो स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीजिया में किया जाता है, या फिर जनरल एनेस्थीजिया। जनरल एनेस्थीजिया यानी कि पूरी बेहोशी दी जाती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो है एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीजिया, जिसमें कि आपकी रीढ़ की हड्डी में लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दी जाती है, जिससे कि आपका पेट और उसके नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, यानी कि पूरी अगर नींद का इंजेक्शन देने पे ही वो सोता है। इसके अलावा ऑपरेशन जो है सिजेरियन इलेक्टिव कर सकते हैं या इमरजेंसी सिजेरियन होता है। तो प्रेफरेबली यानी अच्छा होगा कि अगर पेशेंट ने सिजेरियन से पहले 6 घंटे पहले निल ओरली हो, यानी कि उसने ना कुछ खाया हो ना कुछ पानी भी पिया हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही जो स्टोमक से नीचे तक फूड आता है उसका टाइम ऑलरेडी भर जाता है। यानी आपने पहले कुछ खाया है तो वो काफ़ी देर तक पेट में रहेगा, तो एनेस्थीजिया या बेहोशी देने के दौरान वो आपकी ट्रकिया या नोज़ में आ सकता है, जिससे कि एस्पिरेशन और पेशेंट सीरियस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सिजेरियन में आपको पेट पे दो तरह के इंसिशन दिए जा सकते हैं, या तो वर्टिकल यानी खड़ा हुआ इंसिशन, या फिर हॉरिजॉन्टल जो कि आपकी हेयर लाइन या पिविक सिम्फाइसिस के 2 सेंटीमीटर ऊपर दिया जाता है, आड़ा इंसिशन जो कि आजकल प्रेफरेबली दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ बच्चा फंसा हुआ हो या कुछ कंडीशंस हो, उसमें आपके डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि उसमें उनको वर्टिकल या सीधा इंसिशन जो कि अम्बिलिकस या नाभि तक या उससे नीचे दिया जाता है। अच्छा, इंसिशन देने के बाद आपकी स्किन कटती है और उसके अंदर के लेयर्स कटते हैं, और उसके बाद जब हम पेरिटोनियल कैविटी में एंटर होते हैं तो यूट्रस को आड़े इंसिशन से, हॉरिजॉन्टल इंसिशन से काटा जाता है। उसके बाद बेबी की डिलीवरी की जाती है। उसके बाद प्लेसेंटा और कॉर्ड जो निकलते हैं उनको क्लैम्प करके कट करके बाहर निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि यूट्रस को हमें फिर से स्टिच करना है। यूट्रस को 2 या 3 लेयर्स में स्टिच करने के बाद फिर एब्डोमेन यानी पेट के दूसरे लेयर्स को स्टिच करते हैं अंदर, जो रेक्टस शीथ होती है जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो स्किन है उसमें टांके लगाए जाते हैं। तो ये जो स्किन के इंसिशन है इनको निकालने की ज़रूरत होती है, और अंदर के तो टांके सब घुलने वाले ही होते हैं, तो इसको 8th या 9th डे डॉक्टर आपके स्किन स्टिचेस को निकाल देते हैं। और जनरली 24 आवर्स तक, ऑपरेशन के 24 घंटे तक पानी भी नहीं दिया जाता है। वैसे आजकल 6 आवर्स बाद भी थोड़ा सिप ऑफ वाटर या 1-2 घूंट पानी दिया जा सकता है। और उसके पहले 24 to 48 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट और उसकी कंडीशन कि उसको कितनी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, उसको बॉटल्स पे ही रखा जाता है, नॉर्मल सलाइन और आईवी इन्फ्यूज़न पे ही रखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम पेशेंट को ओरल पहले लिक्विड्स देते हैं, फिर सेमी लिक्विड डाइट देते हैं, जैसे कि बहुत ही पतला दाल का पानी, और फिर उसके बाद थोड़ा पतला दलिया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो फ्रूट्स और सूप और दूसरी दाल दलिया एंड अदर थिंग्स पे आता है। और सिजेरियन के बाद एक जो स्पाइनल हेडेक होने के चांसेस होते हैं एनेस्थीजिया के इफ़ेक्ट से, तो हमारी एडवाइस रहती है कि पहले 24 घंटे प्रेफरेबली जो है पेशेंट तकिया न लगाए, उसका सिर सीधा रहे, सिर न उठाए, क्योंकि अदरवाइज़ पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। सो टेक केयर, खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, एंड बाय बाय।